Morning dear students, welcome to the online coaching. Dear students, we have discussed introduction part related to the chapter tissue. Okay, now we are moving on the meristemic tissue. मैंने आपको बताया था प्लांट सेल प्लांट टिश्यू उसके दो पार्ट रहते हैं. एक पार्ट बन जाएगा मेरिस्टेमिक टिश्यूज. मेरिस्टेमिक टिश्यूज के अंदर आते हैं तीन सब पार्ट्स, वो है एपिकल मेरिस्टाइन, लेटरल मेरिस्टाइन और इंटरकैलरी मेरिस्टाइन. ओके, प्लीज सी हियर मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज. पहले मैंने उसका पूरा चार्ट बना दिया है आपके लिए. ऑकरेंस कहाँ पे मिलते हैं ये, कहाँ पे होते हैं ये, ग्रोइंग रीजियन ऑफ अ प्लांट. कहाँ पे होते हैं ये, ग्रोइंग रीजियन ऑफ अ प्लांट. डियर स्टूडेंट्स, विच आर दी ग्रोइंग रीजियन ऑफ अ प्लांट, कौन ग्रो करता है? बहुत ही सिंपल है, रूट ग्रो करते हैं और शूट ग्रो करते हैं. रूट एंड दी शूट. ओके, प्लीज पे अटेंशन. सपोज ये एक प्लांट समझ लीजिए, ये ग्राउंड समझ लीजिए. ये जो होते हैं ये रूट है, ठीक है. अगर ये जो है ये होता है स्टीम, ये होता है स्टीम, और कुछ इस तरह से इसका जो टॉप लेयर होता है उसे बोलते हैं शूट. ओके, ये है रूट, रूट शूट. सो यहाँ पे होते हैं मेरिस्टेमिक टिश्यू रूट और शूट में, बिकॉज ये ग्रोइंग रीजियन है. ओके, आई होप इट इज क्लियर डियर स्टूडेंट्स. नाउ मूविंग अहेड, शेप कैसा है? शेप इज स्फियरिकल, ओवल एंड रेक्टेंगुलर. ओके, सो अगर कोई आपसे पूछे कि व्हाट इज द शेप ऑफ मेरिस्टेमिक टिश्यू, और कोई ना भी पूछे तो आपको पता होना चाहिए. इट इज स्फेरिकल, ओवल एंड रेक्टेंगुलर. इंटरसेल्युलर स्पेसिस आर एब्सेंट, इंटरसेल्युलर स्पेसिस आर एब्सेंट. अब ये इंटरसेल्युलर स्पेसिस क्या है? आपने इंटरमोलिक्यूलर स्पेसिस तो पढ़ा ही है फर्स्ट चैप्टर में, स्पेस बिटवीन दी मॉलिक्यूल्स. सेम इंटरसेल्युलर स्पेस बिटवीन दी सेल्स. सो यहाँ पे सेल्स के अंदर बहुत ही कम स्पेस पाई जाती है, सो इंटरसेल्युलर स्पेस इज एब्सेंट, ज्यादा गैप मिलता नहीं है. फोर्थ पॉइंट, वैक्यूल्स आर एब्सेंट. आपको पता है वैक्यूल्स का काम क्या था? स्टोरेज करना. क्या स्टोर करते थे वो? सॉलिड और लिक्विड थिंग वो स्टोर करते थे. वैक्यूल इज अ सैक लाइक स्ट्रक्चर. रिमेंबर द टॉपिक फिफ्थ चैप्टर, मीन्स इसका काम था स्टोरेज. डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे इसको कुछ स्टोर नहीं करने है, सब दे ही देना है ताकि वो प्लांट ग्रोथ कर सके, ठीक है. कुछ स्टोर नहीं रखना अपने पास, इसीलिए वैक्यूल्स होते ही नहीं है. ये बहुत ही एक्टिव सेल है, दिस मेरिस्टेमिक टिश्यूज के सेल्स बहुत ही एक्टिव है. अगर ये डीएक्टिव रहेंगे तो प्लांट्स कभी बढ़ पाएगा? नहीं बढ़ पाएगा. साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म इज डेंसर, मींस थोड़ा कम रहता है, डेंसर. सेल वॉल किस चीज की बनी हुई है? सेल्यूलोज से. किस चीज से? सेल्यूलोज से. न्यूक्लियाई इज प्रोमिनेंट. प्रोमिनेंट का मतलब है क्लियरली विजिबल, प्रेजेंट. क्योंकि हमें यहाँ पे क्या करना होगा? सेल डिवीजन. हमें नहीं, मीन्स मेरिस्टेमिक टिश्यूज यहाँ पे क्या करते हैं? सेल डिवीजन्स करते रहते. अगर वो सेल डिवीजन नहीं करेंगे डियर स्टूडेंट्स, तो वो प्लांट बर्ड नहीं पाएगा. ये सेल डिवीजन बहुत ही इंपॉर्टेंट है. जब सेल डिवीजन हो रहा है तो न्यूक्लियस बहुत सारे हो तो उसको न्यूक्लिया कहते हैं. न्यूक्लिया इज प्रोमिनेंट. ओके, तो ये प्रोमिनेंट है. मेरिस्टेमिक टिश्यूज के अंदर मैंने जो बताया था तीन और टाइप्स है. यू कैन सी क्लियर दिस थिंग इन द इमेज, सी ऑन योर स्क्रीन इमेज. नीचे आप देख सकते हैं, वहां पे है लेटरल मेरिस्टाइम, दिख रहा है आपको क्लियरली लेटरल मेरिस्टाइम. ये देखो ऊपर का पोर्शन ग्रीन कलर का, एपिकल सबसे ऊपर देखो, एपिकल, ठीक है, एपिकल मेरिस्टाइम टिश्यूज है. फिर बीच में आएगा इंटरकैलरी मेरिस्टाइम टिश्यू,
और ये नीचे आप देख सकते हैं ग्रीन कलर का साइड में है, दो साइड में लाइंस जैसा, ठीक है, वो है लेटरल मेरिस्टेमिक टिश्यूज। चलिए यहाँ पे आ जाइए। डियर स्टूडेंट्स, आपने इमेज में देख लिया कि एपिकल मेरिस्टेम कहाँ था, सबसे ऊपर था। सो प्रेजेंट एट द शूट, सबसे ऊपर जो था वो शूट है, और जो इमेज में नहीं दिखाया था नीचे वो है रूट। सो याद रखिएगा, एपिकल मेरिस्टाइन इज प्रेजेंट एट द शूट एंड द रूट। का क्या इसका काम क्या रहता है? इंक्रीज इज द लेंथ ऑफ द रूट एंड द शूट, टू इंक्रीज द लेंथ ऑफ द रूट एंड द शूट। ओके, लेटरल मेरिस्टाइन प्रेजेंट एंड द बेंथ ऑफ द बार्क। डी स्टूडेंट्स, एपिकल मेरिस्टाइन का काम है लेंथ बढ़ाना, लेटरल मेरिस्टाइन का काम है चौड़ाई बढ़ाना, ब्रेथ बढ़ाना, ठीक है। ओके, इंक्रीज द ग्रीथ ऑफ द रूट और स्टीम। इंटरकैलरी मेरिस्टाइन, इसका काम क्या है और ये कहाँ पाए जाते हैं? इंटरकैलरी के बारे में मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे एक छोटा सा डायग्राम ड्रॉ करके। इसको आप समझ लीजिए शूट। यहाँ पे जो डॉट्स रहते हैं इसके साथ जो लीव्स कनेक्टेड रहते हैं डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे इसे बोलते हैं नोड्स। क्या बोलते हैं इसे? नोड्स। दिस इज नोन एज नोड्स। ओके, द डिस्टेंस बिटवीन टू नोड्स इज नोन एज इंटर नोड्स। डिस्टेंस बिटवीन टू नोड्स इज नोन एज इंटर नोड्स। सो यहाँ पे इंटर कैलरी मेरिस्टाइन का काम है प्रेजेंट एट द बेस ऑफ द लीव्स। ये लीव्स जो है ये रहा इसका बेस, जहां से हम पत्ते तोड़ते हैं। यहां से अगर हम पत्ता तोड़ दिया, लीव्स तोड़ देते हैं, तो फिर दोबारा यहाँ से एक और लीव्स निकलेगा ड्यू टू द मेरिस्टेमिक इंटरकैलरी मेरिस्टेमिक टिश्यू। क्लियर? ओके, सो यहाँ पे रहते हैं ये। इंक्रीज क्या करना है इसको? लेंथ ऑफ द ऑर्गन। आप सोच रहे हो सर प्लांट में भी कहाँ से ऑर्गन आ गया? प्लांट्स का ऑर्गन होता है प्यारे बच्चों लीव्स। ओके, सो प्रेजेंट एट द बेस ऑफ द लीव्स, इंक्रीज द लेंथ ऑफ द लीव्स, इसका काम ये है। सो प्लीज रिमेंबर दिस ईच एंड एवरी पॉइंट। आई होप आई हैव एक्सप्लेन यू मेरिस्टेमिक टिश्यू, यू आर एबल टू अंडरस्टैंड इट। इफ यू आर हैविंग एनी डाउट प्लीज आस्क मी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच।